तो जब से रोमन रेंस का हील करेक्टर WWE के अंदर आया तब से लेके अब तक WWE ने बहुत सारे चेंजेस रोमन के इस करेक्टर में किए हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो पॉल हेमन के साथ उनका अलायंस रोमन रेंस का शर्टलेस रिंग के अंदर रेसल करना, जो कि वो आज से बहुत टाइम पहले किया करते थे लीकी के रूप में, और रोमन रेंस के सभी चेंजेस को हमने काफी ज्यादा पसंद किया। और WWE ने भी टाइम टू टाइम इन चेंजेस को करने के कारण रोमन रेंस का जो करेक्टर है वो इतना ज्यादा बेहतरीन बना पाई। और आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर एक और बहुत ही बड़ा चेंज होता है, और फाइनली जो WWE फैंस का बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे रोमन रेंस के न्यू एंट्रेंस म्यूजिक का, वो हमें आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर खत्म करते हुए नजर आती है। रोमन रेंस करते हैं अपने न्यू थीम सॉन्ग के साथ स्मैकडाउन के अंदर एंट्री, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप एक कंपैरिजन वीडियो बनाओ रोमन रेंस के पुराने थीम सॉन्ग और आज के थीम सॉन्ग के ऊपर, कौन सा म्यूजिक ज्यादा बेटर है, क्या सही में जो फैंस हैं वो रोमन रेंस की हर चीज को ओवररेट कर रहे हैं, क्या न्यू थीम सॉन्ग बहुत ज्यादा बेकार है, क्या पुराना थीम सॉन्ग ज्यादा बेहतर था, या फिर न्यू वाला थीम सॉन्ग पुराने थीम सॉन्ग से 100 गुना बेहतर है। तो भाई ये कुछ बातें जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो पूरी वीडियो मेरे ओपिनियन पे बेस रहेगी। तो भाई अगर आप लोग देखना चाहते हो, न्यूज रूमर से रिलेटेड है नहीं, अगर आप देखना चाहते हो आप लोग डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो, मजा आपको काफी आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले एक छोटी सी पुरानी हिस्ट्री के साथ, जो कि रोमन रेंस के थीम सॉन्ग से रिलेटेड है, जो कि वो पहले यूज किया करते थे, और क्यों ये जो एंट्रेंस म्यूजिक है काफी ज्यादा स्पेशल है सिर्फ रोमन रेंस के फैंस के लिए नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली और सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए भी। जिन लोगों को पता होगा ये जो एंट्रेंस म्यूजिक है पहले शील्ड, जो कि मैं WWE का ग्रेटेस्ट फैक्शन कह सकता हूं, जो कि मैंने अब तक विटनेस के इस एरा के अंदर उसके अंदर यूज हुआ करता था। शील्ड की फुल फॉर्म आप जानती हो, सीरियो होटल इंडिया एको लेमा डेल्टा शील्ड, और इस पूरे डिस्क्रिप्शन के बाद होता था रोमन रेंस के। अभी फिलहाल जो पुराना उनका थीम सॉन्ग है उसका आगमन कह सकते हो, और जो शील्ड के तीनों सुपरस्टार्स हैं हमें इसी एंट्रेंस म्यूजिक के ऊपर अपने एंट्री करते हुए नजर आते थे। और एक्चुअल में ये जो थीम सॉन्ग है वो WWE में आई थिंक 2012 के आसपास आया था, जब शील्ड की पहली एंट्री हुई थी मेन रोस्टर के अंदर, और उन्होंने आते सर ही धमाका मचा दिया था। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद शील्ड का जो ब्रेकअप आप कह सकते होता है, और सेथ रॉलिंस हमें शील्ड को तोड़ते हुए नजर आते हैं, और उसके कुछ महीनों बाद हमारे ट्राइबल चीफ जो रोमन रेंस है पहले वाले जो कि बेबी फेस सुपरस्टार थे, वो हमें इस एंट्रेंस म्यूजिक को यूज करते हुए नजर आते हैं। और रोमन रेंस ने पहली बार जो एंट्री की थी इस वाले थीम सॉन्ग के साथ वो थी 16 जून 2014 को, और रोमन रेंस के इस थीम सॉन्ग को नाम दिया गया था ट्रूथ इज रेंस। और रोमन रेंस के करेक्टर में काफी चेंजेस आए, उन्होंने रॉयल रंबल जीता, उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर बहुत बार कम्पीट किया, शील्ड का बहुत बार रीयूनियन भी हो गया, लेकिन अब तक रोमन रेंस का जो थीम सॉन्ग है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, और इसलिए कुछ स्पेशल फीलिंग कह सकते हो, इमोशनल अटैचमेंट कह सकते हो WWE फैंस की थी, शील्ड के फैंस की थी, रोमन रेंस के फैंस की थी, सेथ रॉलिंस जॉन मॉक्सली के फैंस की थी इस ट्रूथ इज रेंस वाले थीम सॉन्ग के साथ। लेकिन फाइनली जो इस थीम सॉन्ग की पूरी कहानी है वो हमें आज स्मैकडाउन के शो के अंदर खत्म होती हुई नजर आती है। जो दूसरी चीज इस वाले पूरे थीम सॉन्ग के अंदर हमें पता लगती है वो है रोमन रेंस की डिटर्मिनेशन, जिस तरीके से वो काम करते हैं WWE के अंदर, अपनी पूरी मेहनत झोंकते हैं कि भाई वो WWE के अंदर बड़े से बड़े सुपरस्टार बन पाए, वो कंपनी को अपने कंधों पे कैरी कर पाए, जो कि मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वो बखूबी कर भी रहे हैं। और मेरे हिसाब से स्मैकडाउन एक मेन रीजन रह गया WWE फैंस के लिए कि क्यों वो हर हफ्ते हमें वीकली शोज देखते हुए नजर आते हैं। और अगर मैं बात करूं ट्रूथ इज रेंस वाले थीम सॉन्ग की, तो जो रोमन रेंस का हील कैरेक्टर था उस पे भी ये जो थीम सॉन्ग है काफी फिट बैठ रहा था, क्योंकि उस टाइम में जो रोमन रेंस का कॉन्फिडेंस था, उनका जो अलग लेवल वाला एटीट्यूड मैं कह सकता हूं, वो हमें साफ साफ दिखाई देता था इस वाले थीम सॉन्ग के साथ में। और रोमन रेंस ने जब से रिटर्न की थी तब से हील वाले कैरेक्टर के अंदर भी वो इसी थीम सॉन्ग को हमें यूज करते हुए नजर आते। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं रोमन रेंस के न्यू थीम सॉन्ग यानी कि आज की थीम सॉन्ग के ऊपर, जो कि हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर रिवील होता हुआ नजर आता है। अभी फिलहाल जो रोमन रेंस का ये न्यू थीम सॉन्ग है या फिर एंट्रेंस म्यूजिक कह सकते हो, उसका नेम अभी रिवील नहीं हुआ, और मेरे हिसाब से WWE काफी जल्दी उसका जो नेम है हमें रिवील करती हुई नजर आएगी। और जब से रोमन रेंस का करेक्टर आया था काफी सारे फैंस की डिमांड थी कि WWE को इस थीम सॉन्ग को बदलना चाहिए, और रोमन रेंस के इस करेक्टर के लिए थोड़ा और तड़कता भड़कता थीम सॉन्ग लाना चाहिए, जो कि उनके करेक्टर के साथ और भी ज्यादा सुटेबल बैठता हुआ नजर आए या फिर कह लो फिट बैठता हुआ नजर आए। और सभी यही होप कर रहे थे कि रेसलमेनिया के अंदर जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा था, जहां पर रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन फेस करते हुए नजर आते आपस में, करीबन एक साल बाद लाइव क्राउड भी आता हुआ नजर आता, तो वहां पर WWE हमें रोमन रेंस का न्यू एंट्रेंस म्यूजिक का डेब्यू कह सकते हो वो करते हुए नजर आती। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस अपने पुराने ट्रूथ इज रेंस वाले थीम सॉन्ग के साथ ही आते हुए नजर आते, तो सभी ने पूरी उम्मीद ही हटा दी थी कि अब WWE कभी भी आने वाले टाइम में रोमन रेंस का एंट्रेंस म्यूजिक चेंज करेगी। लेकिन आज का स्मैकडाउन का शो हमें सरप्राइज करता है और WWE हमें इस न्यू थीम सॉन्ग को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आते। मेरे हिसाब से इसके दो रीजन हो सकते हैं कि WWE ने रेसलमेनिया के अंदर नहीं बल्कि आज के स्मैकडाउन के शो को चुना रोमन रेंस के इस न्यू एंट्रेंस म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। पहला रीजन हो सकता है पैंडेमिक के कारण डिले,
क्योंकि पैंडेमिक में काम कोई भी वैसे भी भाई जल्दी हो तो पाता नहीं है। अगर डब्ल्यू डब्ल्यू को एक अच्छा थीम सॉन्ग ढूंढने वैसे भी उसमें टाइम लगता है, और डब्ल्यू डब्ल्यू मेरे हिसाब से इस थीम सॉन्ग के ऊपर कुछ नहीं तो 6 से 7 महीने से काम कर रही थी, क्योंकि आज से करीबन 6 से 7 महीने पहले रोमन ने इस बात को टीज किया था कि आने वाले टाइम में उनका एक न्यू थीम सॉन्ग होने वाला है। वहां पर कोई रैपर वगैरह नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल में एक वर्दी जो थीम सॉन्ग है, एक एंट्रेंस म्यूजिक है रोमन रेंस का, डब्ल्यू डब्ल्यू काफी जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो एक रीजन पैंडेमिक डिले हो सकता है, लेकिन जो दूसरा रीजन मेरे हिसाब से इस थीम सॉन्ग के डिले का हो सकता है, वो हो सकता है लाइव फैंस का इस न्यू थीम सॉन्ग को लेकर रिएक्शन। और डब्ल्यू डब्ल्यू इस चीज के अंदर जरूर कंफ्यूज होगी कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग रोमन रेंस का न्यू ये वाला एंट्रेंस म्यूजिक लाते हुए नजर आएंगे और फैंस हमें इस पे यू नो बिल्कुल भी सपोर्ट ना दिखाते हुए नजर आए, वो क्रिटिसाइज करें डब्ल्यू डब्ल्यू को कि भाई पुराना वाला जो थीम सॉन्ग था वही काफी ज्यादा बेहतर था। और दूसरा रीजन मेरे हिसाब से हो सकते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने इतना ज्यादा इस थीम सॉन्ग को डिले कर दिया। बाकी आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर मेरे हिसाब से परफेक्ट जगह इसलिए भी थी क्योंकि डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस की इस मैच की ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप बन चुकी थी, फैंस काफी एक्साइटेड थे इस मैच को देखने के लिए। और मेरे हिसाब से जिन लोगों ने इस पूरे स्मैकडाउन के शो को लाइव देखा होगा तो रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन का मैच जैसे मान लो शुरू होने वाला है, डैनियल ब्रायन की एंट्री हो गई, रोमन की एंट्री होने वाली थी, मैं आराम से बिस्तर पर लेटकर टीवी को देख रहा था, लेकिन जैसे ही रोमन रेंस का वो जो करेक्टर है ना ग्राफिक्स वाला एनिमेटेड वाला वो सामने आया, रोमन रेंस का न्यू थीम सॉन्ग प्ले हुआ, 1 सेकंड के लिए मुझे लगा शायद कमर्शियल ब्रेक आने वाली है और भाई उसके पीछे जो म्यूजिक वगैरह चलते रहते वो हमें चलते हुए नजर आएंगे और काफी जल्दी कट होने वाला। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे रियलाइज होता है कि ये जो थीम सॉन्ग है वो रोमन रेंस का न्यू थीम सॉन्ग है जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने फाइनली यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और भाई मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था लेकिन मैं तुरंत खड़ा हो गया कि भाई रोमन का इतना कमाल का थीम सॉन्ग स्मैकडाउन के शो में इंट्रोड्यूस करवा दिया तो जरूर इस मैच की जो हाइप बनी थी वो एक तरह की डबल ट्रिपल हो जाती है जब रोमन रेंस का ये वाला थीम सॉन्ग इंट्रोड्यूस होता है। और रोमन रेंस के इस पूरे न्यू थीम सॉन्ग के अंदर सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि भाई ये जो पूरा एंट्रेंस म्यूजिक है ना रॉयल्टी वाली फीलिंग देता है। और रोमन रेंस का भी फिलहाल का जो हील करेक्टर का निकनेम आप कह सकते हो हम तो जानते हैं वो ट्राइबल चीफ है, और मेरे हिसाब से ट्राइबल चीफ को हम लोग हेड मानते हैं, हम लोग उसे सुपीरियर मानते हैं। रोमन रेंस का जो न्यू वाला थीम सॉन्ग है सेम वही मुझे फीलिंग देता है कि भाई सामने आपके कोई बहुत ज्यादा सुपीरियर यू नो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या फिर सुपरस्टार कह सकते हो वो आ रहा है, और ट्राइबल चीफ के स्पेशली जो करेक्टर है उसके साथ ये वाला जो न्यू थीम सॉन्ग है मेरे हिसाब से पूरे तरीके से फिट बैठता है, क्योंकि ये रॉयल्टी और जो सुपीरियरिटी होती है ना ट्राइबल लोगों की वो हमें साफ साफ झलकती हुई नजर आती है इस थीम सॉन्ग के अंदर। और ऊपर से जैसे म्यूजिक इंट्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वो कहते हैं फाइनली डब्ल्यू डब्ल्यू ने हम सभी लोगों का किया इंतजार खत्म और रोमन रेंस का न्यू थीम सॉन्ग आज शो पर आ चुका है। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं भाई पुराना वाला थीम सॉन्ग ही अच्छा था, नवा वाला एकदम बेकार सा। मेरे हिसाब से रीजन ये है क्योंकि हम लोगों को एक आदत हो गई है ट्रूथ इज रेंज वाले के साथ रोमन रेंस की एंट्रेंस देखते देखते, इसलिए स्टार्टिंग में जब ये एंट्रेंस म्यूजिक आया था तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने इसे 3-4 बार एंट्रेंस को देखा यूट्यूब के ऊपर तो भाई काफी ज्यादा मजा आया एंट्रेंस को देख के और पूरी फील आ गई अंदर से रॉयल्टी वाली कि भाई मैं भी कोई सुपीरियर बन जाऊं। वैसे अगर मैं थोड़ी मजाक या फिर मैं कहूं तो फीलिंग ऐसी ही आती कि अगर आप मान लो कोई गेम के अंदर ट्राई कर रहे हो, आप 9 से 10 बार फाइनल मिशन के अंदर फेल हो चुके हो, लेकिन उसके बाद जब आप वो मिशन कंप्लीट करते हो बिना चीट कोड के भाई वो वाली फीलिंग होती है। और ये अगर आप एंट्रेंस म्यूजिक सुनोगे आपको भी पूरा सुपीरियर वाली फीलिंग आ जाएगी अंदर से। और ऊपर से जो रोमन रेंस के लुक्स होते हैं ना उनकी एंट्रेंस के टाइम पे मेरे हिसाब से वो और भी ज्यादा किलर होते हैं और वो ज्यादा सुटेबल बनाते हैं इस न्यू थीम सॉन्ग को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए। वैसे रोमन रेंस की अगर मैं बात करूं तो जब रोमन ने अपनी एंट्री की थी तो भाई कहीं भी देख के ऐसा नहीं लगा कि रोमन को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है इस न्यू थीम सॉन्ग के साथ एंट्री करते करते। उनकी जो पूरी एंट्रेंस थी रोमन ने भाई पूरे अपने तगड़े वाले एक्सप्रेशन दिए, लुक्स दिए, जिससे मेरे हिसाब से रोमन का ये वाला जो न्यू थीम सॉन्ग है सही करेक्टर के ऊपर पूरे तरीके से फिट बैठता है। अगर आखिरी में मैं कंक्लूजन की बात करूं तो न्यू थीम सॉन्ग काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा कमाल का, लेकिन जो पुराना थीम सॉन्ग है ट्रूथ इज रेंज वाला वो जरूर हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि भाई उसकी एक अलग पहचान है थीम सॉन्ग की। उस थीम सॉन्ग का रोमन रेंस के एंट्रेंस का एक अलग फैन बेस है और एक तरह का आप कह सकते हो कि ट्रूथ इज रेंज एक एंड ऑफ द एरा की तरह है कि भाई उस एरा का जो पूरा थीम सॉन्ग का टाइम था अब वो खत्म हो चुका है, रोमन रेंस का जो न्यू थीम सॉन्ग है अब वो फाइनली स्मैकडाउन के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। और धीरे धीरे करके ये जो रोमन रेंस का न्यू थीम सॉन्ग है इसके साथ जब हम लोग एंट्री देखेंगे रोमन रेंस की तो भाई ये हमें काफी ज्यादा कमाल की लगेगी। और मेरे हिसाब से डब्ल्यू डब्ल्यू ने काफी सही डिसीजन लिया जब उन्होंने रोमन का आज का जो थीम सॉन्ग है वो हमें चेंज करती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मे बी जब लाइव क्राउड एक बार फिर से रिटर्न करने वाला है आज से 1 से 1.5 साल बाद जब वो परमानेंट आने लग जाएगा हर रॉ स्मैकडाउन के शो के अंदर तो डब्ल्यू डब्ल्यू रोमन रेंस की जो एंट्री है वो भी हमें बदलती हुई नजर आएगी। थीम सॉन्ग बदला मेरे हिसाब से अगर उनका हील करेक्टर और लंबा होता है उनका जो एंट्रेंस का स्टाइल है वो भी हमें बदलता हुआ नजर आने वाला है। जैसा मैंने कहा जो पुराना थीम सॉन्ग है वो हमेशा भाई याद रखा जाएगा और वो काफी ज्यादा कमाल का जरूर था। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी और
थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ तक आ गए मेरी ये वाली बकबक और बकवास सुनने के लिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। और हाँ, एक और फाइनल पॉइंट ये कि जो न्यू थीम्स होंगे उसने फाइनली जो रोमन रेंज के सारे कनेक्शन थे, सारे जो इमोशंस थे, वो शील्ड के साथ कट कर दिए और फाइनली जो रोमन रेंज है वो अपना एक यू नो अलग जो थीम सॉन्ग का बेस है काफी जल्दी बनाने वाले और काफी ज्यादा फ्रेश फीलिंग आ रही है रोमन की इस न्यू थीम सॉन्ग के साथ उनकी एंट्री देखने में। तो भाई बस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। थैंक यू सो मच मेरी बकबस सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके हिसाब से न्यू थीम सॉन्ग ज्यादा बेहतर है या फिर पुराना थीम सॉन्ग? मेरे हिसाब से न्यू थीम सॉन्ग बहुत ज्यादा कमाल का है। अपना जो ओपिनियन है आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।